परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् अरविन्दम्। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु, थोड़ा आवाज दे दो जी। इस पावन स्थल पर उपस्थित श्रद्धे सत्संग प्रेमी परमादरणीय महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संत कबीर साहब की वाणी है, रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े गल जाना है। यह संसार परदेश है, हमारे गुरु महाराज जी ने भी कहा है, जन लिप टूरे प्यारे जग परदेशवा, सुख कछु इहवान नाही। हम लोग परदेश में हैं, यहाँ कोई सुख नहीं है। ये अपना देश नहीं है, यहाँ तो बस दुख ही दुख है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, सब सखिया मिली एकमत कीजे, चलिए पिया के देश, पिया मिले तो बड़े भाग से, नहीं तो कठिन कलेश। अपने पिया परमात्मा का देश चलो, वही अपना देश है। कबीर साहब दूसरी जगह कहते हैं, मैं वासी उस देश का, जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दीपक बरे अगम का, बिन बाती बिन तेल। स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका में, जब कुछ युवकों ने पूछा कौन से देश के रहने वाले हो, मजाक के लहजे में उनका वेशभूषा देख के, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, पहले तुम बताओ तुम कौन से देश के रहने वाले हो। उन लोगों ने कहा, हम लोग तो अमेरिकी हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अमेरिका में आने के पहले कहाँ थे, वे एकदम से मौन हो गए। तब स्वामी जी ने कहा था, इतना तुच्छ ज्ञान और इतना अहंकार, सुनो मैं बताता हूँ मेरा निज देश कहाँ है। न तत्र भासते सूर्यो न चंद्र तारकम्, नेमा विदतो भांति तमो कुतो यमग्नि, तमे भांति मनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ उस देश का, वो अपनी आत्मा के लिए कह रहे थे, अपने स्वरूप के लिए कह रहे थे, चेतना के लिए कह रहे थे, जहाँ सूर्य चंद्र तारों का प्रकाश नहीं होता तो अग्नि की क्या बात है। जिसके प्रकाश से संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, उस परम पिता परमात्मा का धाम, वो मेरा निज धाम है। भगवान कृष्ण कहते हैं, न तत्र भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम। जहाँ सूर्य चंद्र तारों का प्रकाश नहीं रहता, जहाँ जाने के बाद फिर जीव इस दुखमय संसार में जन्म नहीं लेता, वो मेरा परम धाम है, वही तुम्हारा निज देश है। उसी निज देश पे चलो, वहाँ जाओगे
तो कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। शुद्धि करो प्यारे हो आपन देश को, जहाँ कलेश कछु ना है। इसलिए तो हमें मनुष्य शरीर मिला है, आत्मानम मोक्षार्थम जगत हिताय च, जन्म मरण के चक्र से आत्मा को मुक्त कर लीजिए। इसके लिए गुरु की युक्ति से ध्यान कीजिए, भक्ति कीजिए, साधना कीजिए, और जब तक संसार में रहिए ये तन मन इंद्रियां आपका संसार के हित के लिए कार्यरत हों, स्वार्थ से ऊपर उठकर। जीवन की यही सार्थकता है, बस इसी में है। सबरी को, संत को देखिए वो पद मिला, ऐसे होते हैं संत। कबीर साहब कहते हैं तब हम ऐसे अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, आ जो जल में जल पेश न निक से यो ढूरी मिला जुलाहा। कबीर साहब को देखिए, कबीर साहब जुलाहा है, और हिंदू की मुसलमान ये भी एक झगड़ा है उनके लिए। जाके देखिए मगहर में, मगहर में उनका दो दो समाधि है। उधर उनका मुसलमान भी अपना लगा कर पिंडी लगा करके बैठते हैं, इधर हिंदू भी उनकी समाधि बनाकर एक ही जगह। मगर कहते मुसलमान जुलाहा थे कबीर साहब, अब बताइए। लेकिन कबीर साहब कहते हैं तब हम ऐसे अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, आ जो जल में जल पेश ननिक से यह ढूरी मिला जुलाहा। रविदास जी को देखिए, रविदास जी कैसे थे, जा देखे घिन उपजे नरक कुंड में बास, प्रेम भक्ति ते उबरे प्रगटत रन जन रे दास। उबर गए, इतने इतने को मिल गए। आ जो चीज़ कबीर साहब को मिली, जो भगवान कबीर को मिले, वही भगवान तुलसीदास को मिले, जो भगवान रविदास को मिले, वही भगवान सूरदास को मिले। मिले कि नहीं? ये सब संत हैं। जो भक्ति शुरू कर देते हैं उनको अंतिम में सफलता मिल जाती है। एक बात और सुनिए, अब बीच में ऐसे मत आइए, डिस्टर्ब हो जाता। यदि आप मकान बनाना शुरू किए, अब बीचे में मर गए, तो मकान आपका गया काम से, फिर दोबारा वो मकान कभी नहीं मिलेगा। और यदि मकान में आसक्ति होकर के तब मकान का चिंतन करते करते मरे, तो चूहा बन करके जन्म ले लीजिए, उधर उधर निकल जाइए, उधर मत आइए। अगर धन कमाते कमाते मर गए, तो धन आपका गया काम से, फिर वो दोबारा धन मिलेगा कभी? ओ माता जी, मिलेगा कहाँ है, वो धन गया। आज यदि धन की आसक्ति में मरे तो सांप बन जाइएगा, है कि नहीं, है कि नहीं सही बात? यदि संतान उत्पन्न करते करते पुत्र पुत्री को जन्म देते देते मरे हैं, तो वो पुत्र पुत्री गया आपके हाथ से, दोबारा कभी नहीं मिलेगा जीवन में, मिलेगा दोबारा? आ यदि उसी के आसक्ति में आप मरे ना, तो मर करके सुअर हो जाइएगा। देखिए कितनी है बड़ी हानि है। लेकिन यदि दीक्षा लेकर के सत्संग ध्यान कर रहे हैं, अब भक्ति कर रहे हैं, अब भक्ति करते करते यदि मर गए, तो ये भक्ति कहीं जाने वाली नहीं है। ये भक्ति आपको साथ नहीं छोड़ने वाली। मकान साथ छोड़ देगा, धन साथ छोड़ देगा, पुत्र पुत्री भी साथ छोड़ देंगे, परिवार भी साथ छोड़ देगा। लेकिन अगर भक्ति करते करते आप मर रहे हैं ना, तो ये भक्ति आपकी छूटने वाली नहीं, ये भक्ति का संस्कार आपको पकड़ लेगा। इसी बात को कबीर साहब कहते, भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए, अनंत ऊंच नीच घर जन्म ले तौ संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं आए पड़े जो चोल, आ कंचन जो बिष्ठा पड़े घटे नता को मूल। और भगवान तो कहते हैं नेहा विक्रम ना स्वस्ति प्रतिभा विद्यते स्वल्प मव्यस्य धर्म से त्रायते महतो भया। भगवान कहते जो थोड़ी सी भी भक्ति कर लेता है ना, फिर वो महाभय से बचा लेता है उसको। महाभय क्या है? 84 लाख में कभी नहीं जाइएगा, ये महाभय से बच करके रहिएगा। 84 लाख में कभी नहीं जाइएगा, और मनुष्य ही बनिएगा, और मनुष्य बन करके प्रवाभ्यासे न तेहने व हृदय हिरे व सोपी सह,
जिज्ञासुरपि योगश्च सर्व ब्रह्मादि वर्धते। भगवान कहते हैं वो पहले जो भजन कर रहा था, भक्ति कर रहा था ना, उस भक्ति संस्कार से प्रभावित होकर के, आकर्षित होकर के, भगवान कहते हैं वो नहीं चाहता हुआ भी भजन में लग जाएगा, वो नहीं चाहता हुआ भी सत्संग करेगा, वो लाख विरोध के बाद भी सत्संग करेगा, वो लाख विरोध के बाद भी भजन करेगा, वो लाख व्यवधान के बाद भी वो सत्संग ध्यान करता रहेगा। ये कितनी बड़ी बात है, ये पूंजी कभी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन इधर हम लोग का मन ही नहीं लगता है। एक बार आप शुरू कर दीजिए, अगला काम गुरु महाराज का। सनात है आप लोग, प्रीतम जान लेहु मन माही, अपने सुख में सब जग बद्ध हो, को काहू को नाही। है यहाँ कोई? सुख में आन सबे मिली बैठत रहत चौ दिशी घेरे, आ विपत्ति पड़े सब ही संग छाड़त कोई नहीं आवत नेरे। विपत्ति के क्षण में सब साथ छोड़ देता है। घर की नारी बहुत हित जासों, रहत सदा संग लागी, आ जब ये हंसा तजी है काया प्रेत प्रेत कर भागी। ऐसो जग व्यवहार बन्यो है, तासो नेह लगायो, अंत काल नानक बिन सतगुरु हो काम न आयो। यह धन धाम कुटुम्ब कबीला, गुरु महाराज की वाणी है ना, सुना होगा आपने। यह धन धाम कुटुम्ब कबीला, सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेर न सुख को तेरे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, आ तू तन मन सुख निज के जानियो, परिणाम क्या होगा? भयो काल के चेरो, काल का गुलाम बन जाइएगा, काल के बस हो जाएंगे। एक तो कोई तो सहारा हमें चाहिए, कोई सहारा हमें चाहिए। तो जो जीवन भर ये भक्ति का संस्कार आपको पकड़ लेगा, ये अंतिम में आप देखिएगा, मरने का जब क्षण आएगा ना, उस समय फिर दुख नहीं होगा, आराम से आप देह से निकलेंगे। क्यों? कोई रक्षा करने वाले? किताब कॉपी रखिए, ओ माता जी रखिए ना, उसको सुनते ही नहीं, उसको रखिए ना, रखिए उधर, हटाए उसको। उधर से जमदूत आता है, बगल में कौन होते हैं? गुरु महाराज होते। अंग संग हर वक्त रहता प्रकट हो, अंग संग। जिस समय आप दीक्षा लेते, दीक्षा लेने के समय ही गुरु महाराज जी सदा के लिए आपके साथ हो जाते, फिर कभी साथ नहीं छोड़ते। कितना भी जन्म मरण आपका होता रहे, वो सब जन्म में साथ। आ कब तक साथ? जब तक कि ईश्वर का दर्शन हो न जाए तब तक साथ। कितना बड़ा सहयोगी कोई मिलेगा, बोलिए ना। ये है तो वो अंतिम में ये साथ देते हैं। बगल में उधर से जमदूत आएगा, और आप बगल में खड़े कौन दिखेंगे उनको? अकेला आप नहीं दिखेंगे। संत गुरु नानक देव जी कहते हैं, प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत छट जावे। जो बगल में देखते हैं गुरु महाराज, उनके प्रताप को देख करके जमदूत भाग जाता है। ये जग तम को बड़ा ही भयंकर, तन बिच घोर अंधारी, इस कुआं में सब पड़े हुए। कल मैंने कहा था ना, इसी शरीर में एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा स्थान है जहां पर मन को लगाने से आप इन दुखों से छूट सकते। वो कौन सा स्थान है? उसी को राम भगवान पाठ में सुन रहे थे ना, मोक्ष कर द्वारा। क्या कहते हैं उसको? ये मोक्ष का द्वार। द्वार अलग होता है, रास्ता अलग होता है कि नहीं? द्वार अलग, रास्ता अलग, है ना? अच्छा एक बात है, जम का वारंट कब आएगा? कोई समय निश्चित है किसी को? है? पांव पलक की सुधी नहीं करे कल की साज, अकाल अचानक मारसी जो पीतर को बाज। पांव पलक, पलक पलक जो हमारा झपकता है ना,
पलक झपकने में जितना समय लगता उसका चौथाई भाग, उतना भी कभी पता है किसी को? पता नहीं है। और तब इसके लिए कोई बचने का कोई प्रयास कर रहे हैं? अभी निश्चिंत पड़े हुए, न किन्हीं से पैरवी की बात करते हैं, न किन्हीं से गुजारिश कर रहे हैं, न किसी के शरणागति ले रहे हैं। बस अच्छा छापा पड़ने वाला है, निश्चिंत। इसमें किसी को दुविधा है? निश्चित है छापा पड़ने वाला, यही हमारी अज्ञानता है। एक ही है बचाने वाला, बस। कौन है वो? देख रहे ना सामने, आपको फोटो दिख रहा है, आप लोग फोटो दिख रहा है। गुरु को मानुष जानते ते नर का ये अंध, महादुखी संसार में आगे जम का फंद। गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाय, मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। यही है बचाने वाले आप। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहो गुरु मूर्ति की ओर। हम जब दीक्षा देते हैं, दीक्षा में कह देते हैं कि देखिए हम आपको बतला रहे, पर आपके गुरु गुरु महाराज हैं। आपके गुरु भी गुरु महाराज और आपके इष्ट भी गुरु महाराज, सब कुछ गुरु महाराज, केवल हम लोग नाता जोड़ देते हैं बस। चाहे कोई भी बाबा हो, वही इन्हीं की कृपा से आप भीतर में वो स्थान देख लीजिएगा। और जैसे भीतर का स्थान देखिएगा ना, उस स्थान को देखने के लिए थोड़ा पात्र बनना पड़ता है। पात्र बनने के लिए क्या करना होगा? एक मंत्र का जप करिए खूब बढ़िया से, चलते फिरते उठते बैठते छोड़िए नहीं मंत्र। यदि आप कोई नेताजी कह दे देखिए हम पुलिस से आपको बचा लेंगे, आप व्यवस्था करके किसी भी तरह से हमको 24 घंटा के अंदर 10,000 रुपया दे दीजिए तो चैन मिलेगा आपको, करिएगा ना व्यवस्था करिएगा कि नहीं? ऐसे संत भी कहते आप बच जाइएगा, बस चलते फिरते हमेशा मंत्र जप करते रहिए। तो जपते हैं भूल जाते क्यों? वही जो मधुमक्खी का वो शहद का जो दो बूंद विषय का जो गिरता है ना, ये घर को देख के, परिवार को देख के, पुत्र को देख के इतना मगन इतना तन्मय हो जाते हैं कि बस उस जम के छापामारी को हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए जम जप हमारा छूट जाता है। जिसको इस मौत की याद रहेगी ना, वो जप कभी नहीं छोड़ेगा, वो डर के मारे थर थर कांपता रहेगा, जप करता रहेगा वो। इसलिए हमेशा जब, यही एक बचने का उपाय है बस, जब कभी छूटे नहीं। हर दम रटो कभू ना हटो, परिणाम क्या होगा? तो है छेड़ेगा ना काल। गुरु महाराज का ये वचन है पदावली में, हर दम रटो कभू ना हटो तो है छेड़ेगा ना काल, आ यदि नहीं रटिएगा तब तो है छोड़ेगा ना काल, तब छोड़ेगा नहीं। ये जप करते रहिए हमेशा चलते फिरते, और जिसका जप बन जाता है, ध्यान जिसका बन जाता है, उनके भीतर में उनके मानस पटल पर गुरु महाराज भी प्रकट हो जाते हैं। आँख खोलेंगे तब भी दर्शन, आँख बंद करेंगे तब भी दर्शन। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, स्थापित हो जाएंगे गुरु महाराज वहाँ। और जहाँ गुरु महाराज जी हैं, आपको मृत्यु के समय फिर ये रक्षा करेंगे। और जब बिंदु ध्यान वो द्वार दिख जाएगा, जो जिस द्वार में प्रवेश कर गए मोक्ष द्वार, तो खुद से आप निकल जाइएगा देह से, जम को आना ही नहीं पड़ेगा, जमदूत को आना ही नहीं पड़ेगा, और आएगा भी तो आपको पकड़ ही नहीं पाएगा, उसके पहले आप निकल जाइएगा। जाता जोगी किन्हो न पावा, काया हंस संग हो आवा, इससे निकलेंगे जमदूत और जम देख ही नहीं पाएगा आपको, आराम से निकल जाइएगा। और फिर जन्म लीजिएगा, क्योंकि अभी साधना बाकी है ना, 84 कटा पर अभी जन्म मरण होगा। कब तक? जब तक कि नादान अनुसंधान की साधना आप पूरी नहीं कर लेंगे, तब तक यही चारों काम जो करेंगे, चारों काम का जिनको ज्ञान हो गया तो वो 84 लाख में नहीं जाएंगे।
आज जो चारों को पूर्ण कर लिया साधना करके, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान, तो वो जन्म मृत्यु के चक्कर से ही छूट जाता है। ऊंचा महल अगमपुर जहां संत समागम होई, आ जो कोई पहुंचे वही नगरिया आवागमन न होई, उनका आवागमन का चक्कर छूट जाता है। यही करना है हम लोगों को, यही ज्ञान है संत मत का ज्ञान। आप लोग सत्संगी बने हैं ना, बड़े श्रद्धालु बन करके रहिए, छल कपट ईर्ष्या द्वेष को छोड़ करके रहिए, आपस में प्रेम सामंजस्य सब रहिए, बड़े प्रेम से रहिए, और तैयारी करिए, अंतन तैयारी करिए, छपा पड़ने वाला है, तैयारी करिए, उससे बचने की तैयारी करिए अभी से। जब कभी छूटी छोड़िए नहीं, गुरु महाराज का चिंतन कभी छोड़िए नहीं, और कोशिश ये कीजिए कि हम उस स्थान में अपने को केंद्रित करके सहरग में सुख मना मोक्ष द्वार में अंधकार से बाहर चले जाएं। एक कहानी में सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कुप्पा घाट में महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज थे, देख रहे तस्वीर, और वहाँ एक बहुत बड़े महात्मा आए थे, आसाराम बापू, उनका अपना हेलीकॉप्टर, उनका सैकड़ों आश्रम देश विदेश में, वो कुप्पा घाट आए थे, पर थे कर्मकांडी, वो न मंत्र जपते थे, किसी भगवान का ध्यान करते थे, पर अंधकार जो जम का क्षेत्र, उससे निकलने का रास्ता उनको पता नहीं था। आए थे कुप्पा घाट, पूज्यपाद से जाके मिले, बड़े प्रभावित हुए वो। अब मिल करके जब पूज्यपाद के कमरा में रूम में गए ना, तो कर्मकांडी थे, उसने कहा कि महाराज जी आपका कमरा तो बड़ा अच्छा है, कमरा बड़ी शांति बिराए रही है कमरे में, एक कमरा में थोड़ी एक कमी है, आप इस कमरा में ना प्रतिदिन 24 घंटा एक गाय के घी का दीपक जलाइए। यहाँ कर्मकांडी थे ना, दीपक जलाइए महाराज। तब पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी ने कहा, देखिए जी, साधु के कमरा में दिया नहीं जलता, साधु के हृदय में दिया जलता है। घट घट दीपक बरे, लखे नहीं अंध, लखत लखत लखी पड़े। परिणाम क्या होता है, कटे जम फंद, जम का फंदा कट जाता है। अपने घट दिए ना बारू रे, लेकिन हम अभ्यास नहीं करने के कारण देख नहीं पा रहे। अब बहुत कठिन नहीं, ये बिल्कुल आसान है, बहुत आसान, आप करके तो देखिए। आप बिल्कुल तन्मय होकर के मन से एक सप्ताह करिए बढ़िया से, आपको कुछ कुछ आभास होने लग जाएगा। हम ही छोड़ देते, इसलिए तो नहीं होता है, छोड़ छोड़ के जो करते ना, इसलिए सफलता नहीं मिल पाती। करिए, ढंग से करिए, आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होए, है ना। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, अरसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। इह चेद वेदी दत सत्य मस्ती, न चेदी है वेदी न महती विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, प्रत्यास्मा लोकाद मृता भवन्ति। ये केनोपनिषद के एक ऋषि कहते हैं, केनोपनिषद के एक ऋषि कहते हैं, यदि इसी जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और नहीं तो बहुत बड़ी भारी हानि है। अब भारी हानि क्या है, भारी हानि यही है कि मनुष्य शरीर को छोड़ करके हम कुत्ता बिल्ली गधा गीदड़ 84 लाख में चले जाएंगे, ये सबसे बड़ी भारी हानि है। ये बंधन हम लोग को पड़ जाएंगे हम लोग तो, क्यों ना केनोपनिषद के ऋषि भी कहते हैं, कठोपनिषद के जमराज भी यही कहते हैं, एक ही बात दोनों कहते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है, बड़े भाग मानुष तन पावा, करना क्या हमको इस शरीर से, ऋषि मुनि लोग बतलाते हैं, यम बतला रहे हैं, इसका उद्देश्य बस एक ही है कि ऐसा कुछ काम करिए जिससे हम जम के बंधन में नहीं पड़ जाए। मरना तो है ही है, कबीर साहब कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, जाना तो सबको है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर, जाना तो सबको है,
लेकिन एक वो होते हैं जो जम के बंधन में पड़ करके जाते हैं, एक वो होते हैं, और एक वो होते हैं जो सिंहासन पर बैठ करके जाते हैं। ये बात अगर मेरी होती तो कोई विश्वास करते? ये बात उनकी है, किनकी? जिन्होंने देखा है। संत महापुरुष जब भी कुछ बोलते हैं ना, तो बस वो पढ़ी लिखी केवल बात नहीं बोलते हैं। संत महापुरुष जो भी कुछ बोलते हैं तो देख करके अनुभव की बात कहते हैं। वही कबीर साहब कहते हैं कि मैं देखी हुई बात कहता हूं। दो तरह से व्यक्ति यहां से जाता है, इस मानव तन में रह करके जो ब्रह्म को जानने की कोशिश करता है, ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, यदि जान गए तब तो वो मुक्त हो जाते हैं, परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। उतरो, तब उनको कहीं आना जाना नहीं होता, बस उनका कोई शरीर छूट जाता है, वो सर्वव्यापक ईश्वर में मिल करके सर्वव्यापक हो जाते हैं। एक तो वो होते हैं, और हमने ईश्वर को स्वरूपतः नहीं जाना, ईश्वर को हमने प्रत्यक्ष में नहीं पाया, हाँ लेकिन उनको जानने की कोशिश हम लोग करते रहे, ईश्वर को जानने का प्रयास हम लोग करते रहे, सत्संग करते रहे, भजन ध्यान करते रहे, बैठ करके थोड़ा ध्यान करते रहे, ये सब हम करते रहे। अब मर गए तो कैसे जाएंगे? तो सिंहासन चढ़ी चले, सिंहासन पे बैठ करके आराम से जाएंगे आप। आज यदि ऐसा नहीं किए तब छठ माई की पूजा कर लिए, हमारी माँ में, हमारी दादी ने, पिताजी ने, सब ने घर में मिल करके छठ पूजा तो करके कर लिया, अकाल मौत से, बाल्यावस्था की मौत से बचा तो लिए। बचपन में हम नहीं मरे, बच तो गए, लेकिन बड़े होकर के दुनिया का सब काम हम किए, पढ़ भी लिए, लिख भी लिए, पढ़ लिख करके नौकरी चाकरी भी कर लिए, पढ़ लिख करके हम खेती गृहस्थी भी कर लिए, पढ़ करके हम धन भी कमा लिए, पढ़ करके हम मकान भी बना लिए, पढ़ करके हम बड़े बड़े पद पर चले गए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, बड़े बड़े नेता बन गए, मंत्री बन गए, सब कुछ तो हम बने, लेकिन यदि सब कुछ बनने के साथ साथ हमने ब्रह्म को जानने की कोशिश नहीं की, भगवान को जानने की हम कोशिश नहीं की, तब छठ पर्व मनाना व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, समझ रहे हैं? तब तो अच्छा था कि भले वहीं से मर जाते तो आराम से कहीं रहते, उधर 84 लाख कहीं पड़े रहते। बच तो हम गए, लेकिन बच करके देखिए कितना तो चोर उचक्का बन जाता है, होता है ना, बच करके कितना डाकू बन जाता है, कितना आतंकवादी बन जाता है, बनता है कि नहीं? क्या क्या लोग कुकर्मी बन जाते हैं, समाज को उद्वेदी कर देते, परिवार को परेशान कर देते, पूरे देश में आतंक मचा देते हैं। क्या फायदा उसको? तो मर जाने में फायदा था, उसको तो अच्छा था कि बचपन में ही मर जाता, जो समाज को दुखी करे, परिवार को दुखी करे, जो माँ का अपमान करे, जो माँ को दुखी करे, जो पिताजी को दुखी करे, ऐसे ऐसे लोग हमने देखा है जो अपने माता पिता को प्रताड़ित करता है। बचपन में था तो माँ ने छठ पूजा करके उसको बचा लिया, उसके लिए छठी मैया की पूजा किया, माँ ने करती है कि नहीं? पिताजी ने कितनी कितनी मेहनत करी है उसके लिए। अब वही बेटा जब बड़ा होता है तब देखिए पिताजी को कैसे परेशान करता है, माँ को कितना प्रताड़ित करता है, घर में कितना उद्यम मचा देता है, सबको परेशान करके रखता है, समाज में वो सबको दुखी करके रखता है। ऐसे व्यक्ति को बचाने से क्या लाभ हुआ? घमंड करता है कि हम ऐसे हैं, हम बलवान हैं, हम विद्वान, हम बुद्धिमान हैं, घमंड करता है, अहंकार में भरे रहते, ये सब होने से क्या फायदा हुआ? कबीर साहब कहते हैं, आप पढ़िएगा, या काया का गर्व न कीजिए, इसका घमंड नहीं कीजिए, शरीर का घमंड मत करना, मत कीजिए,
नहीं करना चाहिए। उसको कितना मेहनत से माता पिता ने पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ना लिखना तो अच्छी बात है ये, नौकरी चाकरी करना भी अच्छी बात है ये, धन कमाना मकान बनाना भी अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ देखिए जमराज का वचन है, जमराज का इचेद सकत बुद्धम प्राक्ष, ये जमराज कहते हैं, जमराज कहते हैं यदि मरने के पहले ब्रह्म को नहीं जान लिया, ईश्वर के विषय में नहीं जाने, ईश्वर को नहीं जाने तो बहुत बड़ी भारी हानि होगी, हानि होगी और दुख में पड़ जाइएगा। यमराज कह रहे हैं, ये चेतावनी दे रहे हैं यमराज। आप ब्रह्म को कहाँ जानिएगा, स्कूल कॉलेज में ब्रह्म को जनाया जाता है, वहाँ तो आपको कोर्स की पढ़ाई होती है, आपको स्कूल कॉलेज कोई नेता जनाएंगे आपको, नेता तो देश की व्यवस्था के लिए भाषण देंगे, कोई मुखिया जी जनाएंगे आपको, कौन जनाएगा आखिर ब्रह्म के ईश्वर के लिए। एकमात्र स्थान है ईश्वर को जनाने के लिए, यही सत्संग स्थल, इसी जगह पर ये काम होता है। आ इसी जगह से बैर विरोध कीजिएगा, इसी जगह से दूर भागिएगा। यमराज की बात को भी याद रखिएगा, उनकी बात को भूलिए मत, यमराज की बात। अभी यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं, आ यदि किसी के लिए पुलिस का वारंट आ जाए तो आराम से बैठिएगा, जिसका वारंट रहेगा सब चौकस हो जाइएगा, सब अलर्ट हो जाइएगा, इससे कैसे बचना है। अब पुलिस तो ज़्यादा कष्ट देती भी नहीं है, यमराज के मार के सामने किसी की मार बराबरी नहीं करती। यमराज इतनी मारता है ना कि मार मार करके लेकर के ही चला जाता है वो, और सदा के लिए लेकर चला जाता है। उससे बचने के लिए बस एकमात्र उपाय है, क्या है उपाय, संत शरण जो जन पड़ा ताही का लगा ठिकाना, और कहूं नहीं ठोर सकल बेराट चबाना। जो संत और सत्संग के शरण में रहते हैं वो जम की मार से बच जाते हैं। जाते तो हैं संसार से पर सिंहासन पर बैठ करके जाते हैं, वो आराम से जाते हैं यहां से। एकमात्र यही स्थान है सत्संग स्थल। यदि यहाँ आकर के हम नहीं बैठे, यहाँ आकर के हमने ब्रह्म बोध प्राप्त नहीं किया, ईश्वर का ज्ञान हमने नहीं समझा नहीं सीखा, तो याद रखिएगा यमराज चेतावनी दे रहे हैं। ततः सर्गेशु लोकेशु शरीरत्वाय कल्पते, फिर से कौन से शरीर मिल जाएगा कोई अता पता नहीं है, कौन शरीर। आप देखते होंगे ना रास्ते में लोग चलते रहते, रास्ते में ऐसा ऐसा कीड़ा निकलता है बरसातों में, देखिए देखते हैं ना, देख के मन घिनक्कड़ हो जाता है, मन में घिन भाव हो जाता है, इतना खराब खराब कीड़ा देखिए रोड में, विष्ठा का कीड़ा, मलमूत्र का कीड़ा, गंदी नाले का कीड़ा, कितना खराब खराब जीव जंतु होता है। उसमें हम बहुत बार गए और तब ईश्वर की कृपा से अभी हम मनुष्य बने हैं। अब यमराज कहते हैं यदि ये काम नहीं किए, इस देह के घमंड में बने रहते हैं, याद रखिए हम लोग फिर वहीं जाना पड़ेगा, हम लोग तो वहाँ कौन रक्षा करेगा। अभी तो भूख लगती है तुरंत अनुकूल भोजन कर लेते हैं, ठंडी गर्मी लगती है तो हम पंखा चला लेते हैं, ठंडी में कम्बल ओढ़ लेते हैं, गर्मी लगती है तो हम कूलर की व्यवस्था पंखा की व्यवस्था कर लेते हैं, उस माहौल में रह लेते हैं, काम करते करते थक जाते हैं तो विश्राम कर लेते हैं, हर तरह का अनुकूल व्यवस्था है ना, जैसा मन वैसा भोजन करते हैं, जैसा मन वैसा कपड़ा पहन लेते हैं, जैसा मन वैसा माहौल में रह लेते हैं, हर तरह की सुव्यवस्था करके तब हम लोग जीते हैं। आ यदि हम ही मर करके कुत्ता बन गए तब वहाँ कोई व्यवस्था देता है, अब विचार कीजिए। इसलिए भगवान सुन रहे थे ना पाठ में, राम भगवान इसलिए कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। इस मानव तन की रक्षा के लिए ये छठ पूजा है। गाय की रक्षा के लिए कोई पर्व मनाता है, होता है गोपाष्टमी होता है ना, गोपाष्टमी करते हैं ना लोग, गोपाष्टमी तो गाय की लोग पूजा करते हैं उस दिन,
लेकिन वो पूजा करने से गाय बचेगी कोई जानता है? उसके लिए पर्व नहीं है गाय के लिए गोपाष्टमी। किसी भी जानवर की रक्षा करने के लिए, किसी भी जानवर की उम्र को बढ़ाने के लिए कोई पर्व दुनिया में नहीं बना है, क्योंकि वो शरीर उतना महत्वपूर्ण है ही नहीं, वो दुखद है वो शरीर। लेकिन मनुष्य का शरीर इतना बढ़िया है, इसकी रक्षा करने के लिए, इसको बचाने के लिए ऋषियों ने, संतों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने कई तरह का पर्व की व्यवस्था कर दिया है। छठ पर्व की व्यवस्था किया है, उसी में एक होता ना यम द्वितीया, यम द्वितीया लोग मनाते हैं, यम यम जुड़ा हुआ यम द्वितीया। ये पर्व क्यों मनाते हैं? दुर्गा पूजा में हम लोग क्यों मनाते हैं? आसुर वृत्ति से रक्षा करने के लिए, आसुरी वृत्ति से रक्षा करने के लिए। ये तरह तरह का देखिए, दीपावली क्यों मनाते हैं आप लोग? दीपावली इसलिए मनाते कि हमारे घर में दरिद्री ना आ जाए, है ना? आप दीपावली में देखते हैं लोग क्या कहते हैं, लोग काठी संगठी की बना के घर में जाते हैं और घुमाते हैं, क्या कहते हैं, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, कहते हैं कि नहीं, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर। ये कोई गाय के लिए करता है? ये सब मनुष्य के लिए, ये सब व्यवस्था मनुष्य के लिए, ये सब कीजिए। दरिद्री को दूर भगाने के लिए दीपावली मनाइए, और दुर्गुण को दूर भगाने के लिए दशहरा मनाइए, और जीने के लिए छठ पूजा कीजिए। लेकिन जी किस लिए रहे हैं? दुर्गुण को किस लिए भगा रहे हैं? दरिद्री को किस लिए भगा रहे हैं? इस देह को इतनी व्यवस्थित करने का प्रयोजन क्या है? इसका एक ही प्रयोजन है, इस देह में रह करके हम ब्रह्म को जाने, ईश्वर को जाने। आप कहिएगा बाबा ईश्वर को जानने की जरूरत क्या है? हम क्यों जाने ईश्वर को, क्यों जाने हम ब्रह्म को, कारण क्या है? कारण यही है कि हम उनकी संतान हैं, हम उन्हीं का अंश हैं। अभी आप यहाँ दुनिया में रहते हैं, संसार में अभी रहते हैं ना, आ कोई सरकारी काम आपको करवाना हो किसी ऑफिस में, तो वहाँ आप जाइएगा तो वहाँ नाम लिखिएगा ना अपना। आ केवल नाम लिखने से काम चलता है सरकारी काम में? एक कॉलम वहाँ रहता है, कॉलम पिता का नाम कहता है, नहीं रहता ना, पिता का नाम लिखना होगा वहाँ, एड्रेस घर का पता लिखना होगा वहाँ, गांव का नाम लिखना होगा वहाँ। ये सब पूरा जब पता वहाँ लिखिएगा, पिताजी का नाम, अपना घर का नाम, गांव का नाम, ये सब जब वहाँ लिखेंगे आप, अब तो माँ का भी नाम पूछने लगा है नहीं, ये सब जब लिखेंगे तब कोई सरकारी काम होता है, तब कोई काम बनेगा, तब पुलिस भी एक्शन कब लेती है? जब माता पिता का नाम वो पूछेगा, गाँव का नाम वो पूछेगा। अब पुलिस के पास कोई जाए काम करवाने हैं, अब पुलिस पूछेगी क्या नाम है, नाम तो बता दिए, अब फिर पूछेगा पिताजी का क्या नाम है, आप कहिएगा पते नहीं है, तो काम करेगी पुलिस? काम तो नहीं है करेगी, दो चार डंडा मार के वहां से भगा देगा, है कि नहीं, है ना? ये जैसे दुनिया में भी बिना माता पिता के कोई काम नहीं चलता, इस देह के भले माता पिता ये सब हैं, इस देह के जन्म देने वाली माँ को हम जानते हैं, इस देह के जन्म देने वाले पिता को हम जानते हैं, लेकिन आप देह हैं क्या? आप शरीर हैं? शरीर आप नहीं हैं, आप शरीर में रहने वाले चेतन आत्मा हैं, आप इस देह में रहने वाले आत्म तत्व हैं, जीव हैं आप। इस देह के माता पिता को तो हम लोग जानते हैं, देह के माता पिता की छत्र छाया में हम लोग रहते हैं, देह के माता पिता के संरक्षण में हम लोग रहते हैं, उनके द्वारा संरक्षित सुरक्षित व्यवस्थित हैं आप, उनकी सेवा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको भोजन कराते हैं, ये तो सब देह के माता पिता के आप करते हैं। अच्छा काम है, करना भी चाहिए, है ना? लेकिन आप तो शरीर नहीं है, आप तो इसके भीतर रहने वाले जीव तत्व हैं, जीवात्मा हैं आप, तो जीवात्मा के माता पिता कौन है, है ना? एक बात और सुन लीजिए,
मरने के बाद शरीर तो आपका घरे में रह जाएगा, इसको लोग जला देंगे अथवा पानी में फेंक देंगे या तो फिर धरती में। अंगं गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम कड़घृत कंपित शोभित दंडम तदपि न मुंचत आशा भंडम। और आशा बढ़ती चली जाती है, आप में आंख में देखने की शक्ति नहीं, पैर में चलने की शक्ति नहीं होगी, मुंह में बोलने की शक्ति नहीं रहती है, लेकिन आसक्ति भीतर से और बढ़ती जाती है, वही दुखदायिनी होती है। इसलिए यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, राजन अंतिम में आसक्ति भगवान से हो जाए इतना काम करना, दुनिया के पदार्थों से आसक्ति ना हो, व्यक्ति वस्तु से आसक्ति ना हो, ये समझ लेना कि भगवान का दिया हुआ है ये भगवान जाने, हमको तो भगवान चाहिए, ऐसा भाव रहना चाहिए। और अंतिम में किसी तरह से अंतिम नारायण स्मृति, उसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े, अंतिम में भगवान की याद आवे, बस ये प्रयत्न कर लेना, इससे कल्याण है। वही यमराज भी कहते हैं, इचेद सकत बुद्धम प्राक शरीरस्य सर्वस्व तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यमराज कह रहे हैं कि इस देह के छोड़ने के पहले ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का बोध अगर ये है तब तो ठीक है, अन्य तो कहते हैं बहुत खतरनाक बंधन पड़ने वाला है। एक ब्राह्मण देवता थे, सुनिएगा, तो ब्राह्मण देवता को घर में बड़ा परेशान, घर में बड़ी परेशानी, बड़ी पुत्र के चलते परेशान, कभी पुत्री के चलते परेशान, कभी धन के अभाव की परेशानी, कभी कुछ तो कभी कुछ होते रहता था उसको। उस ब्राह्मण के मन में होता है कि अरे ये जीना तो बेकार है, चलो इससे अच्छा हम मरिए जाते हैं। हाथ में फसरी लिया चला गया जंगल, फांसी लगा करके उधरे मरेंगे। और जंगल जैसे गए तो देवताओं के राजा इंद्र ने सोचा, ये कैसा व्यक्ति है, ये कितना सुंदर इसको शरीर मिला हुआ है, ये ब्राह्मण है, कितना सुंदर है स्वस्थ सबल शरीर इसका है, ये आत्महत्या कर रहा है, इंद्र सोचता है। इंद्र ने सोचा इसको कुछ ज्ञान देना चाहिए, इसको कुछ बोध देना चाहिए। इंद्र वहां एक गीदड़ का रूप में प्रकट होता है, गीदड़ के रूप में, गीदड़ सियार जिसको आप बोलते हैं ना, सियार, गीदड़ के रूप में इंद्र प्रकट हो गए। अब वो ब्राह्मण एक पेड़ पर चढ़ गया, हाथ में रस्सी की फसरी, एक छोर को पेड़ की डाल में बांधा, दूसरी छोर अपने गला में बांध करके वहां से कूदना चाहता था। तभी यहां नीचे से वो इंद्र भगवान जो बने थे गीदड़, वो कहता ठहर जाओ। ब्राह्मण सोचता है कि गीदड़ होके मनुष्य की तरफ बोलता है, ठहर जाओ, ठहर के। तब ब्राह्मण देवता कहते क्या बात है। तब उस गीदड़ ने कहा कि तुम क्यों मर रहा है। ब्राह्मण ने कहा अरे क्या करें, देखो ना घर में बड़ी परेशानी है, कभी पुत्र के चलते परेशान, कभी पुत्री के चलते परेशान, कभी धन के चलते, कभी मकान के चलते, कभी खेत के चलते, कोई अब कभी अड़ोसी पड़ोसी के चलते परेशानी होती रहती है। इससे अच्छा हमने सोचा कि मर जाएंगे, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, कष्ट से बच जाएंगे। तब उस गीदड़ ने कहा, था तो वो भगवान इंद्र भगवान थे, उसको शिक्षा बोध देना चाहते थे। इंद्र भगवान ने कहा सुनो सुनो, ठहरो, मरो मत, ठहरो ठहरो, मेरा एक दोनों देखना देखना पेड़ जो आगे वाला होता ना हाथ का, देखो मेरा ये, इसका एक तलहटी देखो, ये उसमें देखा तो कांटा चुभा हुआ गिदड़ के, आ कांटा के चुभने से पूरा लहू लुहान है गिदड़ का, एकदम देखने से टीस टनक वाला दर्द। देखा आपने जब कांटा चुभता है कैसा लगता है, का पीठ पर देखो क्या है मेरा। अब उसके पीठ पर जब देखा तो पीठ पर देखा घाव हो गया है, वही रहो, घाव सड़ गया है, कीड़ा खत बदा रहा है, पी बह बह करके नीचे गिर रहा है। कहा देखो, उस गीदड़ ने कहा कि हम गीदड़ हैं, न तो कांटा को हम निकाल सकते हैं अपने पैरों से, बड़ा दर्द होता है, आप पीठ पर जो घाव हो गया है ना, इसमें कीड़ा देखो खत बदा रहा है, हम कीड़ा को भी नहीं निकाल सकते हैं,
रक्त बह रहा है, पी बहता है, और तुम तो मनुष्य हो ना, यदि तुम्हारे हाथ में पैर में कांटा चुभेगा तो तुम निकाल लोगे, हम निकाल सकेंगे? गीदड़ बोल रहा है, इंद्र भगवान गीदड़ बोल रहा है, तुम तो निकाल लोगे, मेरी पीठ पर देखो घाव हो गया है, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, तुम तो मनुष्य हो, तुम चाहो तो उसमें मरहम पट्टी कर सकते हो, तुमको घाव हो तो तुम उसकी औषधि खा सकते हो, मरहम पट्टी करके तुम उससे स्वस्थ हो सकते हो, लेकिन देखो मेरा शरीर कैसा है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब कल्पना करो, यदि मरने के बाद तुमको मेरे जैसा शरीर मिल जाएगा जिसमें तुम कुछ कर न सको, तो बताओ कितना कष्ट, कितना दुख तुमको होगा, कितना तकलीफ तुमको होगा। अभी तो तुमको मनुष्य शरीर है, इस शरीर में रह करके ऐसा कुछ करो जिससे तुमको इधर नहीं आना पड़े, जिससे तुमको 84 लाख में नहीं जाना पड़े, ऐसा कुछ कर लो। इसी बात से उस ब्राह्मण देवता को बोध हो गया, ज्ञान हो गया, अब फसरी लगाना छोड़ करके चला गया घर, और भगवान के भजन में रह करके रम करके अपना कल्याण कर लिया। ऐसे बहुत कथाएं हैं पुराणों में, आप पढ़ करके देखिए ना। अजामिल का प्रसंग आप जानते हैं कि नहीं, 88 साल में वो भजन में लगा तो कल्याण हो गया है, अंतिम में मरने के समय इतना कष्ट होता है ना, लोग भगवान का नाम नहीं ले पाते। किनको भगवान का नाम याद आता अंतिम में, तो जो सब दिन भजन ध्यान करते रहे, गुरु से दीक्षा ले, और गुरु जो मंत्र दीक्षा में बता दे उसी मंत्र को जो निरंतर जपते रहे ना, अंतिम में उसको नाम याद आ जाता है। और नहीं तो इतना कष्ट होता है ना, चिल्लाते हैं लोग, छटपटाते हैं, दम घुटता है, प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्त हो, कंठा वरुण धन स्मरणम कुतस्ते, जब मृत्यु का क्षण आता है ना, तो कफ से बात से पित्त से गला की जो नली है ना, गला की श्वास लेने वाली, वो बंद होने लग जाती, उस समय इतना कष्ट होता है कि सब कुछ आदमी भूल जाता, बेहोश हो जाता है। लेकिन उस समय अगर कोई भगवान का नाम याद कर ले तो वो कभी फिर नरक नहीं जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। इसीलिए अपने यहां कहते हैं भगवान का नाम कभी भूलिए मत। दीक्षा में क्या होता है, दीक्षा, यही तो लोग दीक्षा से डरते हैं आजकल, लगता है कि दीक्षा पता नहीं क्या खतरनाक चीज है, खतरनाक चीज नहीं है, दीक्षा आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। जो दीक्षा लेते हैं ना लोग, दीक्षा सुरक्षा कवच है, या तो संकट से बचाएगा आपको ये। तो जो दीक्षा गुरु से ले, गुरु जो मंत्र बता दे ना, उसी मंत्र को खूब प्रेम से जपते रहना, जो सब दिन जपते रहते थोड़ा थोड़ा, बड़ा आसान है ये, कठिन नहीं है। करते कर्म करो विधि नाना, सूरत राख जहां कृपा निधन, हाथ से अपना काम धंधा भी करते रहिए, अब मन से मंत्र को जपते रहिए, मंत्रावृत्ति करते रहिए, आदत बन जाएगी आपकी, यही आदत आपको अंतिम में नाम उच्चारण करवा देगी। जैसे कहेंगे मंत्र बोलिएगा उस समय सब जमराज तमराज सब भाग जाएगा, कोई नहीं रहेगा वहां। अजामिल का नाम सुने हैं कि नहीं, अजामिल इतना खतरनाक था, डाकू पापी इतना था, उससे सब थर्राता था, डरता था, बड़ा खूंखार था अजामिल। लेकिन कोई संत महात्मा उसके घर गए थे, अजा रात में वहां पर रहे थे, तो उनकी जो पत्नी थी अजामिल की पत्नी, वो उसको भोजन वोजन करा दिए थे, संत ने वहीं पर निवास किया। और जब प्रातः काल में संत वहां से चलने लगे, तो संतों के मन में होता है कि हम जिसका नमक खाते हैं ना, उसका नमक का शरीयत देना चाहिए, हमें नमक हराम नहीं बनना चाहिए, नमक हलाल, मतलब नमक का बदला चुकाना चाहिए। तो संतों ने सोचा इसका हम नमक खाए हैं, उसका हम भोजन किए हैं, इसका बदला कुछ देना चाहिए, आप कितनों किसी को खिला दीजिएगा ना, उसका कोई फल जल्दी नहीं मिलता है, बिना किसी साधु महात्मा, आप कोई महात्मा को भोजन कराइए, साधु महात्मा का जो मुंह में भोजन जाता है ना, समझिए भगवान ही खा रहा है, दो भगवान का दो मुख माना गया है, एक तो अग्नि है भगवान का मुख, जानते हैं ना,
एक अग्नि को भगवान का मुख माना गया, अग्नि है ना, अग्नि है भगवान का मुख, और एक है साधु महात्मा का मुख भगवान का मुख, जानते हैं ना। यदि कोई सदाचारी ब्राह्मण हो, साधु हो, जो मांस नहीं खाए, मछली न खाए, शराब न पिए, जुआ न खेले, व्यभिचार न करे, नशा न करे, हिंसा न करे, इन पंच पापों से जो संत महात्मा ब्राह्मण बच के रहे, ऐसे संत ब्राह्मण, और जो साधु हो, सदाचारी हो, भजनीक हो, तपस्वी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, ऐसे साधु का जो मुंह होता है ना मुंह, वो मानो भगवान का ही मुंह होता है। अब साधु महात्मा को कुछ भोजन करा दीजिए, समझिए भगवान खा रहे, उसका बड़ा फल उन मिलता है। एक होता अग्नि भगवान का मुंह, आप कभी काल देखते होंगे ना, जो ब्राह्मण लोग होते हवन कराते ना, हवन तो हवन करवाने के समय वहाँ अग्नि कुंड में जो हवन होता है, तो वहाँ कहते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ओ मा सन मासे शुक्ले पक्ष अपन नाम लियो स्वाहा स्वाहा, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यधीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, करते ना स्वाहा स्वाहा स्वाहा। वहाँ पर स्वाहा कहते आहुति देते न, मन में क्या होता है, भगवान ग्रहण कर रहे हैं। अग्नि में आहुति दीजिएगा तो वहाँ होता है स्वाहा स्वाहा। आ किसी साधु को भोजन कराइए बढ़िया से, तो साधु कहता आहा 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 आहा, कितना बढ़िया भोजन, आहा कितना स्वादिष्ट भोजन। तो आपको क्या लगता, साधु बड़े स्वादिष्ट भोजन को देते हैं? नहीं नहीं, साधु तो सादा और सात्विक भोजन खोजते हैं, उनको व्यंजन नहीं चाहिए, उनको आपका वैरायटी नहीं चाहिए, मेवा मिष्ठान उनको नहीं चाहिए, बस शुद्ध सात्विक भोजन बना के खिला दीजिए, उसी में प्रसन्न हो जाते हो। वो स्वपज भगत थे ना, जहाँ वो पांडवों का यज्ञ हुआ था, द्रौपदी ने 56 व्यंजन बनाया था, जानते हैं ना, घंटा नहीं बजा था। स्वपज भगत जब गए, द्रौपदी ने थाल में 56 व्यंजन परोस के रखा, स्वपज भगत बैठे हैं खाने के लिए, बस सबको लिए एक ही में सबको मिला दिए, घटमा घोर रे अंधारे, सब घटमा घोर करके एक ही में मिला दे, और जैसे एक और खाए तुरंत उधर घंटा बज गया, तो मिला दिए ना सबको। लेकिन साधु महात्मा की हम बात करें, जो अच्छे साधु होते हैं, जो सदाचारी हो, सुच्चाचारी हो, शिष्टाचारी हो, भजनीक हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, ऐसे साधु यदि भोजन करे तो समझिए वो भगवान ही खा रहे हैं। अग्नि में हवन तो स्वाहा सहा होता है, और साधु ब्राह्मण भोजन करे तो आहा आहा होता है, दोनों भगवान के पास पहुंचता है। इस तरह से इससे लाभ हो जाता है। हम लोग जो भी कुछ करते हैं ना, तो उसका उद्देश्य पहले कर लेते हैं, उद्देश्य पहले सोच लेते हैं, पहले सोचते हैं कि नहीं। हम लोग कुछ भी करते हैं तो आप खेती करने के पहले खेती करने का फल सोच लेते हैं, नहीं सोचते हैं, तब ने खेती करते हैं। तब आप खेत में हल लेकर के जाते हैं, खेत पे जोतने के लिए सोचते हैं ना पहले। जो बिजनेस करने वाले जो व्यापारी लोग होते हैं ना, वो व्यापार करने का फल पहले सोच लेता है, नहीं, और तब वो व्यापार में लगता है। व्यापार करेंगे तो हमको इतना धन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, व्यापार करने का फल वो पहले सोच लेता है, तब व्यापार में लगता है। ऐसे कोई लगता है? आप किसी को पूछिए आप क्या बनना चाहते हैं, वो कहता हम मास्टर बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मास्टर बनने के फल को पहले सोच लिया है। आप किसी को पूछिए वो कहता हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वो डॉक्टर बनने के फल को सोच लिया, वैसी व्यवस्था वैसी मेहनत कर रहा है तो डॉक्टर बन जाएगा। इसी तरह से भगवान जो कुछ करते हैं ना, तो कुछ करने के पीछे भगवान का उद्देश्य है, ऐसे भगवान कुछ नहीं करते। भगवान ने आम का पेड़ क्यों बनाया, कभी सोचे आप लोग? भगवान ने आम का पेड़ इसलिए बनाया कि इसका जब फल होगा ना, तो मनुष्य खाएगा, है कि नहीं? भगवान ने पीपल का पेड़ क्यों बना दिया? आप पीपल के पेड़ के विषय में जानते हैं ना, पीपल का पेड़ 2400 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है,
ये उसकी खासियत है, विशेषता है पीपल के पेड़ में। भगवान ने तुलसी का पेड़ क्यों बनाया? तुलसी का पेड़ जहाँ रहता है ना, वहाँ पर जहरीला कीटाणु नहीं रह सकता। जो जहरीला कीटाणु रहने से व्यक्ति को नुकसान पहुँचे, हानि पहुँचे, ऐसा जहरीला कीटाणु तुलसी के पौधे के पास नहीं रहता। इसलिए अपने यहाँ कहावत है, घर में तुलसी का बिरवा लगाइए। आपको भांग लगा करके आप लोग रखते हैं घर में, तुलसी के पौध लगानी चाहिए। हो सके तो आरी बाड़ी में कहीं पर पीपल का पेड़ लगाइए। और आपको पता है बेल का पेड़ भगवान ने क्यों बनाया? बेल पेड़ का जो इर्द गिर्द का जो माहौल होता है ना, सतोगुण होता है, सत्व गुण से संपन्न होता है बेल का पेड़। इसलिए महाभारत में लिखा है कि ध्यान करिए कहाँ बैठ करके, बेल पेड़ के नीचे लिखा है, पर्वताग्रे नदी तीरे बिल्व मूले, बेल पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान करिए, वहां सात्विक माहौल रहता है। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। इसी तरह से भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया? बेल पेड़ बनाने का उद्देश्य है, केला बनाने का उद्देश्य है, तुलसी बनाने का उद्देश्य है, और आपको पता है गाय बनाने का भी उद्देश्य है भगवान का। 84 लाख में जितने शरीर हैं सबको बनाने का अलग अलग उद्देश्य है भगवान का, ऐसे नहीं बना दिए, सबका अलग अलग काम है। इसी तरह से ये जो हम लोग का मानव तन है, ये भगवान ने क्यों बनाया? ये मानव तन बनाने का उद्देश्य क्या है भगवान का? सुन रहे हैं? कभी आप लोग सोचे? कबीर साहब कभी ऐसा पढ़े ग्रंथों में? सब लिखा है ग्रंथों में, मानव का तन क्यों बनाए भगवान? आप तो कहिए मानव तन इसलिए बनाए कि कमाओ खाओ, यही ना कहिएगा? डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, किसान बनो, आप तो यही कह दीजिएगा। लेकिन आप करिए क्यों बनाइए, ये मानव तन क्यों बनाया? सुनिए, लिखा है रामायण में, देह धरे कर यही फल भाई। अब फल का मतलब क्या होता है? फल का मतलब, फल किसको कहते हैं? फल का अर्थ होता है परिणाम, होता है ना फल, इसका क्या फल होगा, इस मतलब इसका क्या परिणाम होगा। जैसे कहते हैं योग फल, पढ़ते ना बच्चे, योग फल, योग का परिणाम, मतलब योग फल, योग का परिणाम। ऐसे ही ये देह धारण करने का, मनुष्य बनने का परिणाम क्या है, फल क्या है, मनुष्य बनने का फल क्या होना चाहिए? देह धरे कर यही फल, क्या फल, इसका फल क्या है? तुलसीदास जी लिख देते हैं, देह धरे कर यही फल भाई। हे भाई, इस मानव तन को पाने का एक ही फल है, इसका एक ही परिणाम है। क्या परिणाम है? तो तुलसीदास जी कहते हैं, भजिए राम, ये इसका फल है, भजिए राम, सब काम बिहाई, सभी कामनाओं को छोड़ करके पहले भजन कर लीजिए, यही इसका परिणाम है शरीर का। सब काम कीजिए, उसकी मनाही नहीं करते हम लोग, करते कर्म करो विधि नाना, सूरत राख जान कृपा निधाना। आप सूरत को, मन को कृपा निधान के पास, भगवान के पास रखिएगा कैसे, इसकी युक्ति जान लीजिए, उस युक्ति से रखिए, सफल हो जाएगा मानव तन आपका। कोई काम का विरोध नहीं करते हम लोग, हाँ विरोध है तो 5 काम का मात्र विरोध करते हम लोग। झूठ का विरोध है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोरी का विरोध है, चोरी नहीं करना चाहिए। नशाओं का विरोध है, खैनी बीड़ी सिगरेट शराब आदि ये सब मत खाइए पीजिए। हिंसा मत कीजिए, व्यभिचार मत कीजिए, व्यभिचार का विरोध करते हैं, हिंसा का विरोध करते हैं। अब बाकी सब काम कीजिए, करते कर्म करो विधि नाना, सूरत राख जहां कृपा निधाना। सूरत को भगवान के पास हम रखें कैसे, इसकी युक्ति जान करके रखिए, आनंद है, इसका फल यही है। और आप भागवत में पढ़िएगा ना, भागवत में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर रहे थे तो सबसे पहला मनुष्य जो बनाए, सबसे पहला मनुष्य कौन है, कौन है वो?
इस सृष्टि का सबसे पहला मनुष्य कौन है? वो पहला नहीं है, उसके पहले भी है, इसके पहले भी है मनु शत्रुपा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मनु शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि चली है। ये मनु शत्रुपा दोनों पति पत्नी बने हैं और वहां से मैथुनी सृष्टि, स्त्री पुरुष के संयोग से वहां सृष्टि का विस्तार होना लिखा, इसलिए कहते हैं मनु। पर मनुष्य तो इस, मनु तो उसके पहले हो गए मनुष्य। आप पढ़िएगा ना, भागवत में लिखा है सबसे पहले जो ब्रह्मा जी ने बनाया है वो थे सनकादि ऋषि। सबसे पहला सनकादि ऋषि है सबसे पहला मनुष्य, लेकिन वो सब दिन मात्र 5 साल के ही दिखते हैं। सनकादि ऋषि को जैसे जन्म दिया ना ब्रह्मा जी, सनकादि ऋषि मानसी सृष्टि में आते हैं, मानसी सृष्टि, और मनुष्य शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि चली है। और वह है मानसी सृष्टि वाले, मानसी सृष्टि का अर्थ होता है संकल्प सृष्टि, संकल्प किए संतान हो गई, इसको कहते हैं मानसी सृष्टि, संकल्प सृष्टि है वो। तो सबसे पहला है ये सनकादि ऋषि। सनकादि ऋषि का जैसे जन्म हुआ ना, तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम भी संसार को बढ़ाओ, तुम भी अपना बाल बच्चा पैदा करो, तुम भी खेती गृहस्थी करो, तुम भी दुकान दूरी बिजनेस व्यापार करो। उसको ब्रह्मा जी ने कहा, लेकिन सनकादि ऋषि ने क्या कहा पढ़िए भागवत में। सनकादि ऋषि ने कहा कि हे पिताजी, हम कुछ नहीं करेंगे, जिसके लिए मानव तन हमको मिला है हम वो काम करेंगे। इतना कह करके घर से निकल गए भजन करने। दे धरे कर यही फल भाई, ये फल है, ये परिणाम है देह धारण करने का कि भजन में लगिए। और सब काम छोड़ करके नहीं करना है, ये नहीं कि घर से भाग करके जंगल में जाके तब भजन करेंगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे जीवन बिताओ स्वावलंबी, स्वावलंबी जीवन बिताइए, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे फोड़ी कर, और संतों की आज्ञा है ये में ही माप धड़ छल छोड़ी कर। स्वावलंबी जीवन बिताते हुए कोई नौकरी करिए, कोई बिजनेस करिए, कोई खेती करिए, जिनका जो रोजगार है वो कीजिए, आप 5 पाप से बच करके रहिए बस। आ दीक्षा लेकर के मन को कैसे जोड़ना वो जुक्ति जान लीजिए, आ भजन करते रहिए, देखिए मानव तन सफल हो जाएगा, अंतिम क्षण हमारा सुखद हो जाएगा। यही कहते हैं सुखदेव जी महाराज, हे राजन यही से देह को पाने का फल है, देह को पाने का परिणाम है, यही काम करना चाहिए। ये काम अगर कर लिए तो आप देखिएगा यहाँ भी सुख से रहिएगा, और शरीर छोड़ करके जहाँ हम जाएंगे वहाँ भी आराम से रहेंगे। यही ज्ञान देता है संत मत। अब भगवान कहते हैं जो परलोक यहाँ सुख चहु, आ सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु, आ सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भक्ति मोर पुराण श्रुति गाए। ये भक्ति कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, लेकिन अपने मन से मत कीजिए। अब भजन भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? आप किसी भी मत में रहिए, किसी भी संप्रदाय में रहिए, लेकिन भक्ति की युक्ति ठीक ठीक जानिए, आ कीजिए उसको। कोई मत आपका कल्याण नहीं करेगा, आप देखिएगा कि भक्ति का ढंग ठीक है कि नहीं, ये देखिए। भक्ति की शुरुआत होती है मंत्र जप करने से। जो मंत्र हमको गुरु दीक्षा में बता दे उसी मंत्र को मन ही मन खूब बढ़िया से जपिए, यही है भक्ति। काम कर रहे हैं अमन मन से जप भी कर रहे हैं, सब कुछ करते हुए जप कीजिए। झाड़ू लगा रहे हैं जप कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं जप कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं मन ही मन जप कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं मन ही मन जप भी चल रहा है। ऐसा रखिए भाव, यहाँ तक कि लेटरिंग भी करिए जब भी कीजिए, हमेशा करने का, तभी कभी छोड़िए मत। हनुमान जी गदा लेके चले जा रहे थे, एक लड़का था वो पेशाब कर रहा था, राम राम भी कर रहा था, पेशाब भी कर रहा था, राम राम कर रहा पेशाब भी कर रहा,
उधर से हनुमान जी जा रहे थे, एक गदा मारा पीठ पर। कहता तुमको अब ये भगवान का नाम लेने का समय सूझता है? पेशाब भी कर रहा भगवान का नाम भी ले रहा है? पहले पेशाब कर लो, हाथ पैर धो लो, तब भगवान का नाम लेना। कहा कि ठीक है वैसा ही करेंगे। हनुमान जी जब गए भगवान राम के पास, रात में जब गए हनुमान जी भगवान की सेवा करने के लिए, तो देखा भगवान की पीठ पर जखम हो गया, जखम घाव हो गया, जखम हुआ उसमें दर्द है, टीस टनक है। हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु ये जखम कैसे हो गया आपको? तब भगवान कहते तुम ही ने तो जखम दिया है। कहा हम भला हम आपको जखम देंगे, तुमने गदा से मारा है? कहा भगवान ये कैसे संभव है? कहा संभव है, हमने तो नहीं मारा प्रभु, तुम ही ने मारा। कब मारे? तब भगवान ने कहा वो जो बच्चा पेशाब कर रहा था, अब मेरा नाम जो जप कर रहा था, तो मैं उसके साथ में ही था। अब विश्वास कीजिए, अगर आप चलते फिरते जप करते रहिएगा ना, अंग संग हर वक्त रहता प्रकट हो, आता गुरु महाराज हमेशा साथ ही रहेंगे। भगवान ने कहा बच्चा पेशाब कर रहा था, जब मेरा नाम ले रहा था, उनके साथ ही था मैं, और तुम जो गदा मारा ना तो चोट मुझे ही लग गई। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमेशा मंत्र जप करते रहते तो इष्ट उनके संग में हमेशा रहते हैं, और संकट को आने वाले संकट को इष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, और अपने भक्तों को शिष्यों को कुछ नहीं होने देते, रक्षा करते। अंग संग हर वक्त रहता प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल जल्द दिखलाता नहीं, साथ में ही रहते हैं। भगवान ने कहा हनुमान वो मेरा नाम ले रहा था, पेशाब कर रहा था, पैखाना कर रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सदैव मन ही मन भगवान का नाम जपे वो सदैव शुद्ध है, पवित्र है वो। तब हनुमान जी को बड़ा अफसोस हुआ, और तब ये से प्रथा चली हनुमान जी को, जब भगवान ने पूछा कि हनुमान तुमको क्या चाहिए, देखो हमने विभीषण को लंका का राज दे दिया है, सुग्रीव को हमने देखो किष्किंधा का राज दे दिया, तुमको क्या चाहिए बोलो। तब हनुमान जी ने कहा था, तब अनुभव हो गया ना उनको, तब कहता हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु मेरे जीवन में विपत्ति है। क्या विपत्ति है हनुमान? हनुमान जी ने कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होए। हे प्रभु ऐसा क्षण हमारे जीवन में कभी नहीं आवे जिस क्षण की आपके नाम का सुमिरन ना हो। ऐसा क्षण कभी ना आवे, पेशाब करे तब भी आपका सुमिरन हो, पैखाना करे तब भी आपका सुमिरन हो, हम भोजन करें तब भी आपका सुमिरन होता रहे, चलता फिरते रहे तब भी आपका सुमिरन होता रहे, यहाँ तक कि हम सो जाएं तब भी आपका सुमिरन होता रहे, आप ऐसी कृपा कर दीजिए। यहीं से भजन की शुरुआत है। नाम जीह जपि जागहि जोगी, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, आ तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी उजियार। ये जो आप संसार में भी आप चाहते हैं सब व्यवस्था आपका हो, और मरने के बाद परलोक में भी सब व्यवस्था हो, तो निरंतर जप करते रहिए, यही तरीका है। ये पहली भक्ति है, ये साधना की पहली पक्ष में ये पहली भक्ति है। ऐसे पहली भक्ति तो संतों का संग है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पर साधना के पक्ष में पहली भक्ति है मंत्र का जप, और दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी भक्ति है हमारे जो इष्ट हैं इनका हम ध्यान करें, इनका हम चिंतन करें। अभी हमारे ध्यान में बहुत बात रहती है, कोई बैठे बैठे पुत्र का ध्यान करते रहते हैं, कोई बैठे बैठे धन का ध्यान करते रहते हैं, कोई बैठे बैठे संपत्ति का ध्यान करते रहते हैं, कोई बैठे बैठे पुत्र पुत्री का ध्यान, कोई बैठे बैठे वाहन का ध्यान, कोई बैठे बैठे मकान का ध्यान। एक बूढ़ी बोल रही थी ना कि हमको मकान परिवार दिखता है, तो उसी का ध्यान करती रहती है हमेशा।
ये सब मत कीजिए, हम इष्ट का ध्यान करें, गुरु महाराज का ध्यान करें। यदि पुत्र पुत्री का ध्यान मन में बने और वही चिंतन करते करते मरिएगा तो सुअर बन जाइएगा, बड़ा खतरा हो जाएगा। यदि धन का चिंतन करते करते मरेंगे तो सांप बन जाइएगा। वो इसलिए हमेशा इष्ट का ध्यान कीजिए, मंत्र जब सबके मन की बात जानते हैं गुरु, ये भीतर में जब प्रकाश होगा ना, कोई पर्दा उसके लिए फिर नहीं रहता। सूझ ही राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जय खानिक, वो भगवान के चरित्र को सब जगह देखता है। कौतुक देख ही शैल बन भूतल भूरी निधान, अब खत्म कर रहे हैं। जथा सुवंजन आंज दृग साधक सिद्ध सुजान, ऐसे साधक आप बन जाइएगा ना, धरती के भीतर कहाँ क्या सब देख लीजिएगा, बिना इंजीनियर बने बहुत कुछ देख लीजिएगा, पहाड़ों के भीतर कहाँ क्या सब देख लीजिएगा। कितना गजब है, यही साधना है, ये भक्ति है, ये मानस जप मानस ध्यान दृष्टि योग, ये छठी भक्ति, छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। यही छठी भक्ति करने से भीतर में सूरज दिखता है, जो छठ पूजा में सूरज की लोग पूजा करते हैं ना, वो सूरज अपने भीतर असली सूरज सबको दिखता है, वो सूरज दिखेगा। आज सूरज में प्रकाश कितना है जानते हैं, पढ़ करके देखिए ऋषि, आप पढ़िएगा। एक संत अपने यहाँ हुए, तुलसी साहब, तुलसीदास नाम का दो संत अपने यहाँ है, एक है गोस्वामी तुलसीदास, जानते हैं ना सब नाम जो रामायण लिखे हैं, और दूसरे हैं संत तुलसी साहब जो घट रामायण लिखे हैं, दोनों अलग अलग है। तो घट रामायण लिखने वाले तुलसी साहब कहते हैं, जौ दोपहरी गगन रवि छाई, तासे उजास भया घट माही। जैसे बाहर में दोपहर का सूरज कितना प्रकाश फैलाता है, ऐसा ही प्रकाश सबके भीतर होता है। वो देख करके बोलते हैं, ऐसे नहीं देखा हुआ उनका है, वो देख करके बोल रहे हैं। दोपहर के सूरज के समान प्रकाश सबके भीतर फैला रहा है। आ कबीर साहब इसी को कहते हैं, कबीर कमल प्रकाशिया, उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिटी गई, बाजे अनहद तूर। कबीर साहब कहते हैं अपने भीतर ये आंख बंद करते हैं सबको ये घोर अंधकार दिखता है, और यदि कोई युक्ति जान करके तब अपने भीतर अभ्यास करे तो कबीर साहब कहते वहां पर निर्मल सूरज का दर्शन होता है। उस निर्मल सूरज के दर्शन से रैन अंधेरी भीतर का अंधकार खत्म हो जाता है, मिटी गई है। बाजे अनहद तूर, भीतर में अनहद बाजा बज उठेगा, वो सब देखिएगा भीतर। और रोज हम लोग गाते हैं, कोट भान छवि तेज उजाली, करोड़ों सूरज के समान प्रकाश अपने भीतर में। कहिए कितनी बड़ी बात है, विश्वास हो रहा है? ये सब गप नहीं कर रहे हैं, ये सब इसी मानव तन पाने का फल होना चाहिए कि हम इसको देखें। यही देखने से जीवन सफल होता है, मृत्यु का बंधन कटता, सब दुख दर्द हमारा मिट जाता है। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये, गुरु भक्ति बिनु कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कही। इस तरह से गुरु की सेवा कीजिए। आप पढ़िएगा पदावली में, हमारे गुरु महाराज जी लिखे हैं, जा सन्मुख या सूर्य अमित अंधार है। भीतर का सूर्य ऐसा है कि उसके सामने इस सूरज का प्रकाश तो अंधकार के समान है। ऐसो सूरज महान चंद हद पार है, उसी दर्शन, उसी का दर्शन करने के लिए ये ध्यान साधना हम लोग करते हैं। अब वो सूरज का यदि एक बार कोई दर्शन कर लीजिएगा ना, जैसे इस छठ पूजा के करने से बच्चों की रक्षा होती है, लोग ऐसा कहते हैं ना, कहानी है, अकाल मौत से लोग बचते हैं छठ पूजा करने से, होता है ना। यद्यपि मौत अकाल नहीं होती, मौत तो समय से ही आती है सबकी, अकाल नहीं होती, लेकिन हमको एक भ्रम है कि बच्चा में मर गया तो अकाल मौत कह देते हैं, जवानी मर गया तो उसको अकाल मौत कह देते, बूढ़ा मर्द कहते हाँ ये मौत ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं है, मौत हमेशा समय से ही आती है। उस सूरज को यदि अपने भीतर कोई देख ले, वो जब तक चाहेगा तब तक दुनिया में रह सकता है।
उसको मौत पर विजय मिल जाती है, मौत को अपने अधीन कर लेता है। ऋषि मुनियों ने किया है, यही काम हम लोग को करना है। सब कुछ करिए आप, मना ही नहीं है, पर ये पढ़िए लिखिए, खेती गृहस्थी कीजिए, बिजनेस व्यापार कीजिए, डॉक्टर इंजीनियर सब बनिए, और साथ साथ ये युक्ति जान करके थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी कीजिए, त्रिकाल संध्या, फिर देखिए कितना लाभ होता है। यही काम जब करेंगे ना, तब जम कुछ नहीं कहेगा, हमारा जीवन स्वतंत्र जीवन होगा, पवित्र जीवन हमारा हो जाएगा। अब कहने सुनने की बहुत बात है, और सब कब से बैठे हैं, क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? रमेश कुमार साहब, इन्होंने यहाँ पर सत्संग करवाया, इनके आग्रह को हमने स्वीकार किया, तो समय अब ज़्यादा हो गया है, और थोड़ा बढ़ा करके हम इसीलिए बोल दिए कि आज ही भर सत्संग है, ये कल तो होगा नहीं, आज भर ये सत्संग हुआ, इनकी कृपा से इनके ज्ञान के चलते आप लोग इतना ज्ञान सुने, और बड़ी हिम्मत से इन्होंने काम किया, तो इनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। कितना उत्साह है, अब बड़े प्रेमी देख रहे हैं, ये कितने शांत भाव से सुन रहे हैं। क्या गांव है इन गांव नाम का? बबनगामा। बड़े प्रेमी आप लोग, यहाँ के लोग तो सब प्रेमी है ही है। अपने प्रेम को घटने मत दीजिएगा, श्रद्धा अपने प्रेम को घटने मत दीजिएगा, सत्संग के प्रति ध्यान भजन के प्रति प्रेम को घटने मत दीजिएगा। हाँ बस ठीक है, तो सत्संग जहाँ भी हो, सत्संग में हो, जहाँ भी हो सत्संग में जाइए, सत्संग सुनिए, यही भाव अपने मन में रखिए, तो सब सत्संग से प्रेम करके रहिए। आप जानते हैं ना, यदि सत्संग से प्रेम भी हो गया ना, तो इसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। माता सहजोबाई कहती है, साध संगत की वासना जाघट प्रगट होए, परिणाम क्या होता, मानुष जन्म, सत्संग मिले मुक्ति प्राप्त हो। यदि सत्संग के प्रति प्रेम भी हो गया ना, इसका भी परिणाम है मानव का शरीर ही। इसलिए राम भगवान ने माता सबरी से कहा था, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, हे सबरी मेरी कथा से प्रेम करो, मेरे सत्संग से प्रेम करो। आ सत्संग से कभी मन उबना नहीं चाहिए कि नहीं को, राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नहीं। जिसका मन सत्संग से उग जाए, तो समझिए उसको सत्संग का रस मिला ही नहीं। सत्संग के प्रति बहुत प्रेम रखिए, श्रद्धा रखिए, और दीक्षा लेकर के साधना की चार पद्धति सीखिए, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान। ये साधना की चार पद्धतियां हैं, वेद में वर्णन है, गीता में वर्णन है, रामायण में, हर सभी ग्रंथों में वर्णन है चारों। यही एकमात्र साधना की पद्धति है। आप किसी मत में रहिए, किसी संप्रदाय में रहिए, कोई बात नहीं, पर साधना की सच्ची युक्ति जान करके साधना कीजिए, इससे लाभ होगा। अब कहने सुनने की बहुत बात है, तो सब छोड़ के जाना है, तो इन बातों को भी ध्यान देना है। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी बसती है, वहाँ शांति है, वहाँ आनंद है, इसलिए मेल प्रेम से रहिए, आप लोगों का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो, और आप लोगों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। जो कुछ भी मैंने कहा, स्वामी विवेकानंद जी महाराज अपने भाषणों के अंत में अमेरिका में कहे थे, जो कोई बात मैंने कहा जिससे आपका कल्याण हुआ, आपको अच्छा लगा, आपके जीवन में प्रभाव डाला, वो सब मेरे गुरु के, मेरा वो कुछ नहीं था। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, और जो बातें आप लोग को चुभी होगी वो मेरी होगी, क्योंकि गुरु का ज्ञान चुभता नहीं है, कल्याण करता है, हमारा ज्ञान आप लोग को चुभ सकता है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो जो कुछ अच्छा लगा होगा अपना लीजिएगा, और जो आप लोग को लगा होगा कि ठीक नहीं कहा बाबा ने, उसको आप यहीं छोड़ दीजिएगा। वैसे हम अपने जानते सब बात कल्याण की आप लोगों को कही, आपके भले की कही, तो आप सबको एक बार पुनः शुभकामना। डॉक्टर साहब के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनका ही लोग सब लोग इस ज्ञान यज्ञ के लिए और इनके सहयोग करने वाले सभी लोगों के लिए
बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और आभार और प्रार्थना इनके मंगल का और आप सबका। श्री सद्गुरु महाराज।
निश्चित रूप से हमारा अंत काल जो होगा वह सफल होगा और कम से कम मनुष्य शरीर को जरूर मिलेगा, जहां से पूरा हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकें। इस प्रकार हम लोग जो है निश्चित रूप से गुरु महाराज के बताए हुए आगे उपदेश पर चले, भक्ति भाव से जो है भजन कीर्तन करें, मन जो है भगवान में रहे, अन्य भाव से हम लोग गुरु की भक्ति करें और एक माने सब देव गुरुदेव जगत में और न जो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। एक अगर गुरु को हम लोग अगर मान लेंगे निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाएगा। हम लोग इस भव सागर को बिना किसी वहां को झेलते हुए काट लेंगे, उभर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सन्निवादन जी महाराज का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, उन्होंने कष्ट करके हम लोग को अच्छी अच्छी बातों से जो है अवगत कराए और हमारे बीच जो है संत मत सत्संग मंदिर जो है वह भंगामा इनके अध्यक्ष महोदय हैं श्री उमेश कुमार सहाय जी। हम लोग सभी यहाँ ग्रामवासी हैं, जितनी भी है हमारी माँ बहने समाज की ही है, सबका जो है मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आपने कष्ट सह करके इस सत्संग समारोह में आकर के अच्छी अच्छी बातों को सुना। तो महाराज जी कहते थे संत मता गुरु गति नहीं, सुनो सकल वे कान, जो चाहो धार को करो संत संतान। हम लोग निश्चित रूप से जो है अपने ये लोग को संवारे पर लोग को संवारे, इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। मां बहन एक भजन के लिए उसके बाद में आरती के लिए आऊंगी, प्रसाद की तरह हुआ la panagale।
वीडियो को लाइक कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। जय गुरु महाराज। ऐसे ही प्रवचन को यदि आप लोग सुनना चाहते हैं तो फिर आप लोग मोबाइल डाटा ऑन करके YouTube में महर्षि मेही आश्रम नाम का एक चैनल सर्च करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं ऑल नोटिफिकेशन दबा दें। एक और चैनल है जिसका नाम है स्वामी संदीपानंद, उस चैनल को भी सर्च करके आप लोग सब्सक्राइब कर दें एवं ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर दें। एक और चैनल है गुरु ज्ञान प्रकाश, इसे भी आप लोग सर्च करके सब्सक्राइब कर लें एवं साथ में ही ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप लोगों को इसी तरह का प्रवचन मिलता रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए 5 बोला लिखे।